हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम जॉगी के ऊपर। और ये वीडियो रहेगा हमारा एसएससी सीएचएसएल 2017-18 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके टाइम को जो है वो चेंज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 60 मिनट ही टाइम होगा अब की बार, 75 मिनट पिछली बार था, लेकिन अब की बार केवल 60 मिनट टाइम होगा। तो आपको पेपर किस हिसाब से करना है और कैसे करना है और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि नई अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो 4 मार्च से स्टार्ट होने हैं उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इधर की साइड आप देख सकते हैं, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और मैथ जो है 4 और 50-50 नंबर के आएंगे और 25-25 के क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आप इधर वाली साइड देखेंगे, टाइम वाली साइड, तो आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा बदलाव कर रखा है। पिछले साल ये जो टाइम है वो 75 मिनट था, लेकिन अब की बार जो है टाइम को 60 मिनट कर दिया गया है, मतलब 15 मिनट कटा दिए गए हैं। तो आप जब एग्ज़ाम करो तो आप ये मानकर चलेगा कि 60 मिनट ही है हमारे पास, वरना आपका एग्ज़ाम जो है रह जाएगा और आप जो है इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, मतलब आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। तो इस 60 मिनट को लेकर के आप अपने एग्ज़ाम को करिएगा, आपने जैसे ढंग से करना है। और इसके लिए आपको मैं बता दूँ, अगर मॉक टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दोगे 60 मिनट लेकर के, तो आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ईजी होगी और आप आसानी से एग्ज़ाम को कर पाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करते हो तो 60 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो ढंग से कर भी नहीं पाओगे और जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन जो है गलत भी कर दोगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और ये टाइम जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि 60 मिनट कर दिया गया है, ना कि 75 मिनट। अगर आपके दोस्त को गलतफहमी हो कि कहीं 75 मिनट है और वो उस हिसाब से करे तो वो जो है बाहर हो जाएगा एग्ज़ाम से, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसी नई नई अपडेट हम आपको टाइम से देते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप वीडियो को देख पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।